पुरुषोत्तम मास में जोगीपाड़ा शाहगंज के सोमनाथ धाम में 23 जुलाई से पीर डॉक्टर शंकरनाथ योगी जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कथा उत्सव से पहले सोमनाथ धाम में मेहंदी रस्म, कलश सज्जा और महिला संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने मंगल कलशों की साज सज्जा की। इस सावन के महीने में जो पुरुषोत्तम मास आया है, इसमें श्री सोमनाथ धाम में भागवत का श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ कल से आरंभ होगा। उसके लिए आज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मेहंदी लगाई जा रही है। 200-250 लोगों की लेडीज़ की भीड़ में मेहंदियों का काम सेवा चालू है। उसमें वृक्षारोपण पर भी हो रहा है और जलपान की भी व्यवस्था की गई है और सुंदरकांड का पाठ भी किया गया है। मंगल गीत अभी चालू है। कल सवेरे से सुबह कलश यात्रा निकाली जाएगी। ये श्री सदगुरु राजा सोमनाथ योगेश्वर जी की प्रेरणा से पुरुषोत्तम मास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पी डॉक्टर शंकरनाथ योगी जी के सानिध्य में यहाँ पर 23 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आरंभ हो रहा है। उसी के संबंध में आज 22 तारीख को यहाँ पर श्री सोमनाथ धाम पर जो है मंगल गीत गाए जाते हैं, कलश सज्जा हो रही है। देखिए, यहाँ पर श्री सोमनाथ धाम में वैसे तो कई अनेकों अनेक जन कल्याणकारी कार्य और सामाजिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ, हवन, एक तरह से तीर्थों में जिस प्रकार से होते हैं, ये आज श्री सोमनाथ धाम तीर्थों की श्रृंखला में एक कड़ी बन चुका है। और इसी कड़ी में आज श्री सोमनाथ धाम में भव्य भाग श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर मेहंदी रस्म चालू हुई है और कल से जिस प्रकार से गुरुदेव ने बताया है कि कलश यात्रा के संग श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ होगा। ये बड़ा उत्साह है और सोमनाथ धाम में जिस तरीके से भागवत आरंभ हो रही है कल से और कलश यात्रा है, तो आज उत्साह में आप देख रहे हो सैकड़ों की संख्या में महिला जिस तरीके से कलश को सजा रही हैं और साथ ही साथ मंगल गीत गा रही हैं और सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया है, तो ये अद्भुत दृश्य है। इसको हम लोग सभी सिंधी समाज उत्साह के साथ मनाएं।